आइन कौमी वहदत की अलामत, तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, नौजवानों को तरक्की के लिए तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कन्वेंशन में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। IMF प्रोग्राम से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, वजीर खजाना की वजाहत। सितंबर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद जाहिर कर दी। अवाम के पैसे से अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो क्या गलत किया, मरियम नवाज का सवाल। सिंध के अवाम को रिलीफ मिलेगा तो खुशी होगी, वजीर आला पंजाब की सिंध की 7वीं सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के वक्त की गुफ्तगू। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू की कामयाबी का नोटिफिकेशन मौतल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान का PB 36 खल्लात के 7 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। फैसलाबाद में गैर कानूनी असलहा केस में जेर हिरासत मुलजिम को रिश्वत लेकर छोड़ने वाले 3 अहलकार मौतल, गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मजीद 1,00,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश। वजीर सना तो पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास। स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। और रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट का टाकरा, 16 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी टीम संभल गई, चाय के वक्त तक 81 रन बना दिए।